हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एसी के रिमोट के फंक्शंस और फीचर को कैसे सेट कर सकते हैं। अक्सर हमें ये परेशानी आती है क्योंकि रिमोट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उनकी हमें समझ नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। अलग अलग ब्रांड के एसीज के लिए अलग अलग तरह के रिमोट होते हैं और ये मॉडल के हिसाब से होते हैं, मगर बहुत सारे फीचर्स और जो फंक्शंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इन फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के यूजर मैनुअल को जरूर देखें, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी होती है। सबसे पहले ऑन ऑफ बटन, इससे हम एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मगर इसके लिए मेंस का ऑन होना जरूरी है। इसे हम स्टैंड बाई मोड भी बोलते हैं। मोड बटन से हम अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑटो मोड, कूल मोड, ड्राई मोड, हीट मोड और फैन मोड। हीट मोड खाली उन्हीं मॉडल्स में अवेलेबल होता है जो हॉट एंड कूल वाले एसी होते हैं। कूल मोड में हम टेम्परेचर, फैन की स्पीड, स्विंग सब एडजस्ट कर सकते हैं। स्विंग वाला जो बटन होता है, इससे हम एयर के फ्लो को, जो लूवर्स लगे होते हैं इंडोर यूनिट में, उनकी मूवमेंट ऊप अप या डाउन सेट कर सकते हैं और इसको ऑटो मोड में भी चला सकते हैं। फॉलो मी या आई फील जैसे फंक्शन कुछ इन्वर्टर एसीज में होते हैं, जिनमें रिमोट में भी एक सेंसर लगा होता है, तो हम उनका इस्तेमाल यूजर मैनुअल के अनुसार देखकर कर सकते हैं। रिमोट में एक स्लीप बटन होता है और ये फंक्शन हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। कूल मोड में जब एसी चल रहा होता है तो हम स्लीप मोड लगा सकते हैं, और स्लीप मोड लगाने से जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया होता है, एक घंटे के बाद 1 डिग्री उससे बढ़ जाता है और अगले 1 घंटे में 1 डिग्री और बढ़ जाता है। इससे हमारा कंफर्ट बना रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है। टर्बो फंक्शन जो होता है, ये एसी को शुरुआत में ही लगाया जा सकता है, चालू करते ही, और जब हमें तुरंत एसी के ठंडक की ज़रूरत होती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कंप्रेसर जो होता है वो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है और फैन स्पीड भी हाई पर चलता है। आधे घंटे के बाद ये अपने आप नॉर्मल मोड में आ जाता है। बहुत सारे रिमोट में लॉक बटन सीधा दिया होता है, इससे रिमोट के हम सभी बटन्स को लॉक कर सकते हैं कि बच्चा कोई भी फंक्शन को चेंज ना कर सके, और लॉक बटन से ही दोबारा वापस इसको अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए यूजर मैनुअल को भी रेफर कर लें, क्योंकि कई मॉडल्स में ये अलग अलग चीज से भी लगाया या हटाया जा सकता है। इको बटन इकोनॉमी मोड में एसी को चलाने के लिए होता है। इसमें टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होता है और ये इन्वर्टर एसी में कम फ्रीक्वेंसी पर कंप्रेसर को चलाता है, जिससे बिजली की बहुत बचत होती है। अप एरो वाले बटन से टेम्परेचर को 17 से 30 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। डाउन बटन से टेम्परेचर को 30 से 17 डिग्री तक घटाया जा सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फैन स्पीड, इस बटन से हम फैन की स्पीड को ऑटो, लो, मीडियम और हाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। टाइमर ऑन, ये फंक्शन हम एसी जब ऑफ होता है तब लगा सकते हैं, और जिस समय पर हमें एसी को ऑन करना होता है उतने घंटे बाद हम टाइम लगाकर एसी को
ऑन कर सकते हैं। पहले 10 घंटे तक ये 30 मिनट के डिफरेंस से बढ़ता है और 10 घंटे के बाद ये एक बार दबाने से एक घंटा हर बार बढ़ता है। टाइमर ऑफ, ये फंक्शन जो है वो जब हम एसी चालू होता है तब लगा सकते हैं और जितने टाइम बाद हमें एसी को ऑटोमेटिकली बंद करना होता है उतना टाइम हम उसमें लगा सकते हैं। एलईडी या लाइट बटन, इससे इंडोर का डिस्प्ले ऑफ या ऑन किया जा सकता है। रीसेट बटन जो है इसका इस्तेमाल हम कोई भी जब हमने सेटिंग की होती है और बहुत सारी सेटिंग हमने चेंज की होती हैं और हम वापस इसको इनिशियल सेटिंग पे लाना हो तो हम रीसेट बटन दबाकर इसको हम अपने इनिशियल सेटिंग पर ला सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग रिमोट के लिए अलग अलग फंक्शन और फीचर होते हैं, इसके लिए आप यूज़र मैनुअल को ज़रूर रेफर करें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि अब आप रिमोट का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।